मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू फनेल लर्न स्कूल। बच्चों आज हम पढ़ेंगे हिंदी में हिंदी ग्रामर का चित्र वर्णन टॉपिक, मतलब चित्र देख के उसके ऊपर हमको वाक्य लिखना है, ओके, निबंध लिखना है। चलो स्टार्ट करते हैं। बच्चों ये चित्र दिया गया पिकनिक का चित्र है। आप भी कहीं पर गए होंगे अपनी मम्मी पापा के साथ, खाना वाना लेके सब बाहर जाते हो ना, उसको क्या बोलते, पिकनिक बोलते। तो देखो बच्चों यह चित्र पिकनिक का है। किसका चित्र है? पिकनिक का। इस चित्र में एक परिवार पिकनिक मनाने हैं। इस चित्र में 5 लोग हैं, आपने गिने, माता पिता और 3 बच्चे हैं। इसमें एक सा पालना भी है, मतलब छोटा बच्चा, उसका झूला है। इसमें बच्चा सो रहा है। इस चित्र में चारों तरफ हरियाली छाई हुई है। इस चित्र में एक हरा भरा सेब का पेड़ है जिसमें लड़की पे सेब तोड़ रही है। वो छोटा लड़का तितलियों को पकड़ने के लिए पीछे पीछे जा रहा है। माताजी किताब पढ़ रही है और पिताजी तरबूज खा रहे हैं और फल उगे हैं और कुछ पत्ते भी है। खेलने के लिए गेंद भी रखी हुई है। टोकरी में खाने की चीज़ें हैं। चित्र में एक कुत्ता है जो कि आराम कर रहा है। यह चित्र बहुत ही सुहावना है। तो बच्चों चित्र देख के हमको पता चला चित्र में जो है, बच्चों उसी प्रकार देखो दूसरा चित्र दिया गया है। देखो बच्चों आपने चित्र को देखो, ये बगीचे का चित्र दिया गया है। तो इसमें सेंटेंस कैसे बनाएंगे हम? यह एक सुंदर उपवन है। एक लड़की झूला झूल रही है और माली पौधे को पानी दे रहा है। पेड़ पर चिड़िया चहचहा रही है और बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हैं। फूलों पर तितलियां उड़ रही है ना बच्चों। चित्र देख के हमको सब पता चल रहा है, ये माली पानी डाल रहा है, ये लड़की झूला झूल रही है ना। फिर चिड़िया, हम ऐसे बोल सकते हैं कि बगीचे में चिड़िया होती है, वो चहचहा रहती है, हम आवाज़ नहीं आ रही, पर हम चित्र देख के पता चला कर सकते हैं, तितलियाँ उड़ रही है। ओके बच्चों, तो ये दोनों चित्र वर्णन हमने आज पढ़ा। तो बच्चों चित्र तो नहीं, पर आप अपना इसको सेंटेंस को अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना। ओके, बाय बाय।